जितने भी लोग यहाँ पे इस दंगल को देखने आए हैं, मैं इन सबको दंगल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ठक्कर का दंगल एक बहुत ही ऐतिहासिक दंगल है और ये दंगल को कामयाब करवाने के लिए ठक्कर की जो कमेटी है, मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। जोरदार तालियों का मतलब होता है जोर से तालियां बजाई जाए। और इस दंगल कमेटी की शान हमारे ठक्कर के रिटायर्ड डॉक्टर नेकराम जी, मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस खूबसूरती के साथ वो इस दंगल को करवाते हैं वो काबिले तारीफ है। हमारे ठक्कर के सरपंच साहब, हमारे ठक्कर के लंबरदार जी, चौकीदार जी, हमारे जेडीओ साहब, हमारे मास्टर सागर सिंह जी, हमारे मास्टर श्री चैन सिंह जी, अब मैं इनका नाम ले रहा हूँ गुस्ताखी माफ, क्योंकि ये मेरे जीजा भी लगते हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सकता। इन सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार इस दंगल में जो पहलवान आए हैं दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, पानीपत से, सोनपत से, अगर ये लोग यहाँ पे नहीं आते तो शायद ये दंगल हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए इन पहलवानों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा दंगल एक भाईचारे का सबसे बड़ी मिसाल है। क्योंकि जब इस दंगल की शुरुआत होती है, जब झंडा चढ़ाया जाता है, तो इसमें जितने ठक्कर के हिंदू हिस्सा लेते हैं उतने ही यहाँ पे गुज्जर भी हमारे साथ इस झंडा चढ़ाने के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। इसलिए हमारे ठक्करों की इस भाईचारे की मिसाल को बरकरार रखने के लिए मैं चाहूंगा आप लोग हमेशा ऐसे ही तावन देते रहे। ये जो दंगल हो रहा है, हमारे ठक्कर में सिर्फ एक कमी रही कि थोड़ी तरक्की कम हुई। हमारे ठक्कर को उस तरीके से नहीं देखा गया जिस तरीके से ये देखना चाहिए था। शायद उन लोगों को लगता है कि ठक्कर के लोग उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, तलवे चाटेंगे, चापलूसी करेंगे, फिर जाके वो उनकी डेवलपमेंट करवाएंगे। लेकिन मैं इस दंगल से ये बता देना चाहता हूँ, ठक्कर वाले सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते किसी के आगे। वो किसी की ना चापलूसी करेंगे ना किसी की तलवे चाटेंगे। और जिस तरह से ये दंगल हुआ है, इस दंगल को कामयाब करवाने के लिए ठक्कर के लोग दिन रात मेहनत करेंगे और ये दंगल दिन रात इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे। और रही दंगल की बात, एक कुश्ती मेरी भी होगी लेकिन वक्त आने पर वो कुश्ती आपको जरूर दिखाऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गर्मो गर्मी में, इस कुश्ती में मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये गर्मो गर्मी बरकरार रहनी चाहिए। हमारे यहाँ के पहलवान हफीज जी, जिसकी कुश्ती देखने के लिए हम सब बेकरार है, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो कुश्ती देखने को मिली। इसके साथ साथ लास्ट में मैं चाहूंगा एक जोरदार ताड़ियां इस दंगल के लिए जोरदार होनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।